पहले से पता होता है कि साइक्लोन आने वाला है, उस टाइम में लगता है कि जिंदगी में जो सारी चीजें इच्छा है ना आपका, वो सारी इच्छा आप पूरी कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी है सुबह के 9:30 और अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं अपना वर्कआउट से लौटी हूँ। चाय अभी तक नहीं पी क्योंकि मिथुन का थोड़ा सा काम है, वो काम करके एक साथ हम सब मिलके चाय पियेंगे। वाटरमेलन को कट करूंगी और इसका जूस बना के रखूंगी। फ्रिज में अगर 2-3 टाइप के जूस होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रेटा पैक का जो जूस होता है वो जूस पहली अच्छा तो लगता है, बहुत टेस्ट लगता है, पर पहली बात तो ये है कि शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का रहता है, उसके बाद इतना पीना भी ठीक नहीं, यूज़ करना ठीक नहीं है ट्रेटा पैक। तो रियल फ्रूट जूस अभी मैं एक एक जग में एक एक, जैसे कि अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, कभी कभार मैंगो मिल्क शेक बना के मैं रख देती हूँ फ्रिज में, कभी कभार मैंगो जूस फ्रूटी या माजा जैसे हम पीते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बना के रखती हूँ, और कभी कभार ये बना के रखती हूँ। और लास्ट वीक मिथुन कुछ लीची लाए थे और इतना खट्टा था कि एक ही कोई, अरे डैडा इस जो तो हाँ दौड़कर, तो वो लीची इतना ज़्यादा खट्टा था कि कोई खा नहीं पा रहा था। तो लीची को अच्छे से ब्लेंड करके पानी के साथ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और शुगर मिला के इतना अच्छा जूस बना था ना, तो अगर लीची के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग ऐसा बना सकते हो। फिर रॉ मैंगो आम पूरा शरबत या आम पन्ना, तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो और फ्रिज में रख दो, बीच बीच में पीते रहना बस, कुकिंग के बीच बीच में या कोई भी काम करने के बीच बीच में। दिनों बाद आज बनेगा हिलशा फिश, अभी तक आइस बना हुआ है। स्पेशली ये फिश का जो एग होता है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, अभी तक ये इसका जो बर्फ है ये अभी तक छोड़ा नहीं है। ज्यादा पानी में अगर इसे रखूँ ना तो इस फिश का जो एक स्पेशल एरोमा होता है वो चला जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हिलशा फिश कभी भी ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए और ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, तो इसका जो एरोमा है वो चला जाता है, पर वही करना पड़ेगा। बाय द वे वो सब बाद में करेंगे, सबसे पहले हिलशा फिश बनाने का जो मसाला है वो तैयार कर। हिलशा फिश बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले ज़रूरत है वो है एक बैंगन की, क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट वो हम थोड़ा सा एवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी हो जाता है। तो ये रहा बैंगन, थोड़ा सा मैं धो लेती हूँ। मस्टर्ड पेस्ट के साथ हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, पर जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तो ये समर सीज़न है और दूसरा इस टाइम में पैंडमिक के टाइम में हम बाहर नहीं जा पाते, फिजिकल एक्सरसाइज हमारा ज़्यादा नहीं होता, तो इस टाइम में अगर वो सब चीज़ें खाओगे ना तो हज़म नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है हज़म होना। घर में जब इंसान रहता है तो उस टाइम में जितना हल्का कुछ खाना हम खा सकते हैं उतना ही अच्छा, डाइजेस्ट हो जाता है, ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आजकल कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो हॉस्पिटल में सीट कहाँ। थोड़ा सा जिंजर दूंगी, जिंजर पेस्ट और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। ये रहा पूरा हिलशा फिश का तैयारी। खाना बनाते हुए मैं देख रही हूँ किचन के विंडो से कि बारिश स्टार्ट हो गई है। जब बारिश होती है थोड़ा सा मेहनत पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें आपको अंदर लाना होता है, वो देखो धूप में दिया था वो भी अभी लाना पड़ेगा वरना सब कुछ भीग जाएगा, पर अच्छा भी कितना लगता है ना। यस बृष्टि हच्छे, बोले कि इतना शौक है, इतना सुबह सुबह बारिश सुबह सुबह नहीं हो सकता। अच्छा एक लेखा था कि भीज में ना आपको एक गाँव वाला फीलिंग देते, आई सूदिंग फीलिंग्स। वैसे मेरा कैमरा भी भीग रहा है वो अलग बात है।
জোনিয়ার সাথে তুমি না কেন ঘুমো দিচ্ছিলে অস্কার তুমি সো রয়ে থে তো ফির তুম কহাঁ সে আ গয়ে কেসে আ গয়ে বারিশ কি আওয়াজ সে আ গয়ে শুনু বাবা লাভলি ডগ ডগ মত বলো লাভলি ব্রো লাভলি ব্রো हमारे यहाँ पे एक आर्यन भाई साहब है, वो भाई साहब फिश नहीं खाता, तो उनके लिए ये दो चार पीस चिकन मुझे बनाना पड़ेगा। तो अभी पटाटो छीलना है, और नॉन वेज का पटाटो ना बहुत अच्छा लगता है। अब कोई भी रेसिपी आप बनाओ, वेज या पटाटो हमेशा अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे चुन चुन के मैं एक साइड में रख देती हूँ। मिथुन भी वही करते हैं, आर्यन भी वही करते हैं, पर नॉन वेज का जो पटाटो होता है ना, ये इतना टेस्टी होता है, स्पेशली मटन और चिकन। पर एक मैं बैंगन के साथ फिश में दूंगी, और एक आर्यन के लिए दो पीस काफी है। तो ये बना लेते हैं, झटझट से एकदम बना लूंगी, और मिथुन और मासी अपना काम खत्म जब हो जाएगा, घर का कोई काम कर रहे हैं एक्चुअली वो लोग ऊपर, तो उनका काम खत्म हो जाए उसके बाद सब एक साथ मिलके चाय पियेंगे। जब आप किचन में काम करो, अगर सामने विंडो ना, मैं किचन में विंडो बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। पता है गैस में अगर कुछ कुकिंग करो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर हवा आते हैं तो उस टाइम में एडजस्ट हो जाएगा, पर जब बारिश हो रहा हो तो उस टाइम में आप कुकिंग कर रहे हो और विंडो से बारिश को देख रहे हो, फिलहाल बारिश बंद हो चुका है, तो कितना कितना अच्छा लगता है ना कि आप नेचर को भी एंजॉय करो, आप कुकिंग भी करो, तो थकावट तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। विंडोज़ बहुत अच्छा होता है, और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, आपने भी सुना है मेरे कई सारे वीडियोस में, कि बैल्कनी को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, कि मुझे बैल्कनी अच्छा चाहिए, जहाँ पर भी रहूँगी ना बैल्कनी अच्छा होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बैल्कनी मतलब नेचर के साथ टच रहना, उसका बात ही कुछ अलग है। रूम अगर थोड़ा सा छोटा भी हो तब भी चलेगा, पर बैल्कनी छोटा नहीं चलेगा, बैल्कनी अच्छे से मतलब अच्छा होना चाहिए बैल्कनी। बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम अभी तक मैंने क्लीन नहीं किया, और सुबह सुबह जागने के बाद ही मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि वर्कआउट के लिए थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है ना उस दिन वर्कआउट करने का मन नहीं करता, तो इससे अच्छा है कि सुबह सुबह कर लो। जब भी ऑस्कर को सुसु करना है, बस आर्यन के बाथरूम में चला जाएगा, और आर्यन के बाथरूम से होके गुजर के उसके बेडरूम में मतलब उसके रूम में जाना पड़ता है, तो इतना बदबू आता है ना, ऑस्कर को मैंने इतनी बार दिखाई कि ये है बाथरूम, ये है सुसु रूम, इसमें जाओ, उसमें जाओ, यहाँ पे जाके सुसु करो, उसे नहीं जाना, ना इसे हमारे बेडरूम के बाथरूम में जाना है, ना ही कॉमन बाथरूम में जाना है, उसे बस अपने दादा भाई के बाथरूम में जाना है। तो गई जाके झटपट, मैंने आर्यन मतलब वॉशरूम यूज़ करने वाले, तो जाके झटपट उसका सुसु निमाइल दे के मैं अभी क्लीन करती हूँ, ताकि उसे भी कोई रैश वगैरह ना आए, तो उसके बाद फिर से बेडरूम में वापस। Thank you.
আছে বাবু কেউ না তো তোমার সামনে তোমার ড্যাডা তুমি দেখতে পাচ্ছ না তাহলে बदावे आपको पता है ये कितने साल का है ये 4 साल का है इसके जो बिल है ना वो बिल में लिखा है ये 4 साल का है और इसका पता नहीं क्योंकि ये जो प्लांट है प्लांट बोलूँ या ट्री बोलूँ क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मिडिल मतलब एवरेज है ना ही बहुत छोटा है ना ही बहुत बड़ा है तो इसका सेम कोड में ये भी हमें बिल करके दिया है क्योंकि ये उनके लिस्ट में नहीं था मतलब अभी तक एंट्री नहीं हुआ है तो उसके पहले ही हम लेके आए तो सेम प्राइस भी सेम है और सेम ये है तो देखो कितनी अच्छी तरह से जब हम बचपन में या अभी बड़े होके तो ज़्यादा पेड़ के नीचे जाते नहीं है पर बचपन में जब हम खेलने जाते थे तो पेड़ के नीचे ऐसे ही पत्तियाँ गिर तो ऐसा फीलिंग्स लग रहा है सामने कैमरा अच्छे तुम्हें देखते पाच ना तुम्हें देखते पाच ना और आपसे एक बहुत अच्छा मुझे सजेशन मिला है आप में से किसी ने कहा है कि ये जो ड्रम है ना ये चेंज मत करो सच में इतना ज़्यादा मिट्टी है उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है और इतना बड़ा फैंसी कुछ मिलेगा भी नहीं मुझे तो इसे ही आप फैंसी बना लो कहा है कि वो रोप आता है ना उसे ग्लू गन से चारों तरफ ऐसे रोल करके ये बिल्कुल एक जूट का जैसे कि बैग मिलता है ना आजकल मेरे पास है कि जूट के बैग के अंदर वो टब रखा जाता है ऐसे बना लो एकदम सही आपने कहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो धागा है धागा नहीं ऐसे रोप्स है ये मैंने अमेजन से लिया है बहुत एक बड़ा सा रोल मतलब इतना बड़ा एक बंडल मैं आपको दिखाऊंगी वो जिस दिन ग्लू गन से मैं बनाऊंगी ना वो मैं आपको दिखाऊंगी मुझे पता है कि मैं एकदम ठीक ठाक से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऐसे काम ग्लू गन मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया पर मेरे घर में है हो गया खाना बनाना तो जब लंच बन जाता है ना उसके बाद लगता है कि हाँ एक बड़ा सा काम कंप्लीट हुआ तो ये रहा हिलशा फिश का कड़ी इसमें बैंगन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जितना भी झोल मैंने रखा था ना वो सारे बैंगन ने एब्जॉर्ब कर लिया है अभी अगर पानी गर्म करके इसमें डालूँ ना तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल बदल जाएगा और ये रहा आर्यन का चिकन पर आर्यन को इतना झोल की जरूरत नहीं है पर इतना ज्यादा ग्रेवी है उसके और ये है मेरा पुदीना देखो कितना अच्छा ग्रो किया है ना इसका जब झाड़ बनता है ये तब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और समर में जब आप जग में पानी रखेंगे ना डाइनिंग टेबल पे हम हमेशा जग में पानी रखते उस पानी में ना एक डार्ट इतना लंबा एक डार्ट पत्ते से भरा हुआ एक डार्ट अच्छे से क्लीन करके उस जग के अंदर रख देना और कुछ नहीं जब भी आप पानी पियेंगे ना एक हल्का सा पुदीना का जो फ्लेवर है ना वो आएगा इतना रिफ्रेशिंग वो सिंपल प्लेन पानी कोई अलग से टेस्ट नहीं है कुछ नहीं है पर अलग सा एक फ्लेवर आ जाएगा और अगर बाहर का हालत अगर आप जानना चाहें तो बाहर धूप तो बिल्कुल भी नहीं है गर्मी बहुत ज़्यादा है जैसे कि कोई भी बहुत बड़ा तूफान आने से पहले जो आसमान बिल्कुल सुनसान हो जाता है बिल्कुल भारी हो जाता है पर सन्नाटा क्यों है भाई बिल्कुल ऐसा ही बाहर का कुछ मौसम है साइक्लोन आ जाए इससे पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद पता नहीं क्या हो जब हमें पहले से पता होता है कि साइक्लोन आने वाला है उस टाइम में लगता है कि जिंदगी में जो सारी चीजें इच्छा है ना आपका वो सारी इच्छाएं आप पूरी करना तो हम खाना खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं जो होगा सो होगा कभी ASMR वीडियो करते चलो ASMR हां मुकबम मुक बेकिए खावा मुकबम मेरा ना पेट का थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए इतने दिन हो गया ठीक से भापे इंग्लिश मत भापे नहीं खा पाया मस्टर्ड सीड्स के बारे में अगर हम सोचे भी ना तब भी हमें डका रहता है और ये खाने के टाइम में इसके बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुका है और
हवा तो नहीं चल रहा। साइक्लोन का मतलब तो यही होता है कि बहुत जोर से हवा चलेगा, हवा के साथ साथ बारिश भी चलेगा और सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा ये सब, पर हवा फिलहाल तो नहीं चल रहा है। हवा होना शुरू हुआ था जब हम लंच करने बैठे उससे पहले, अभी हवा बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल पूरा शांत थे, आसमान जैसे एकदम से चुप और भारी होके रहा है। जस्ट थोड़ा सा निडल से अगर थोड़ा सा इसे लीक करो तो बरसने लगेगा इस तरह से, पर अभी थोड़ा थोड़ा बारिश, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे कुछ देर अगर रहो तो पूरा भीग जाओगे। पर कैमरा नज़दीक नहीं ले पा रही हूँ, अगर ले पाती ना तो आपको अच्छे से दिखाती कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं साइक्लोन के बाद ये स्माइल रहेगा कि नहीं, पर फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोना ओखने ओखने बेस्टी, जल 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 बाबू ऑस्कर, ये किसी की बात नहीं सुनता। ऑस्कर बेबी बेबी गो गो बैक। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, जब तक मैं बाहर रहूंगी तो ये भी बाहर रहेगा। सोनू बाबा कम। मैं डर है, मुझे डर नहीं है क्योंकि साइक्लोन आए, अम्फान आए, जो भी आए, ये 90 किलो का सामान उठा नहीं पाएगा। मोटा होने का भी फायदा है भाई, कुछ हर एक चीज का फायदा है। तुम ना नंगा पुंगा हो जाओ, सारे फार ना उड़ा के ले जाए, सारे फार ना उड़ा के ले जाए। कल जाके नहला के लाई ऑस्कर को, क्योंकि घर में ना ऐसे शावर देना बहुत मुश्किल की बात है। एक तो ये शावर लेना नहीं चाहता, ये दांत ब्रश करना नहीं चाहते, घर में टूथपेस्ट है, ब्रश है, फिर भी ये ब्रश नहीं करता। उसके बाद वो नेल कट अगर करूँ ना तो उसका ब्लड निकल आता है, तो बहुत डर लगता है। तो चलिए गाइस अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपके साथ फिर मिलते हैं अगर हम सब ठीक ठाक रहे, मतलब आज ही तो आज ही होने वाला है ना, तो नहीं आज अगर सीरियसली अगर साइक्लोन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद रखते हैं। आप सब ध्यान से रहना, केयरफुली रहना और घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। चलिए बाय, टेक केयर।